हेलो एंड वेलकम इन टेक्निकल जागीर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी सेटअप बॉक्स को अपने मोबाइल से कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेटअप बॉक्स को ऑन कर लेता हूँ, ये पावर अडेप्टर लगा के। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, सेटअप बॉक्स के अंदर लाइट आ गई है। अब यहां पर हमें डिस्क की केबल को कनेक्ट करना है, तो मैं इसको भी यहां पे कर लेता हूं। तो गाइज ये देख सकते हो आप, टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स है। अब यहां पे हमें कलर पिन ऐड करनी है, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूं। मोबाइल के अंदर सेटअप बॉक्स को चलाने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी, उस डिवाइस का नाम है इजी कैट। तो इसको मैं इस केबल से कनेक्ट कर लेता हूं। ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सीधे ही बाय कर सकते हो। तो यहां पर हमें इस इजी कैप को एक ओटीजी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। तो यहां पे हमें अपना मोबाइल लेना है और इसके अंदर यूएसबी कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सीधे ही इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहां पे हमें इस डिवाइस को इस फोन के साथ में कनेक्ट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये डिवाइस यहां पे कनेक्ट हो गया है, और यहां पे आप ये आवाज भी सुन सकते हो। तो यहां पे इस एप्लीकेशन में डीटीएच स्टार्ट हो गया है, सभी चैनल शो कर रहा है। तो गाइस इस तरह से आप डीटीएच को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।